पंजाबी सब्जी के लिए मार्केट में जो इंस्टेंट मिक्स मिलते हैं उसी तरह का इंस्टेंट मिक्स घर पे बनाएंगे। इस तरह के इंस्टेंट मिक्स में से आप बहुत ही कम समय में सब्जी तैयार कर सकते हो। आज हम ब्राउन ग्रेवी के लिए इंस्टेंट मिक्स बनाएंगे जिसमें से आप वेजिटेबल कोल्हापुरी, वेजिटेबल जयपुरी ऐसी सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। एक नॉनस्टिक को हम स्लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। उसके अंदर 1/3 कप काजू, 2 टेबलस्पून मगज, 1 टेबलस्पून तिल और 2 साबुत लाल मिर्च इस तरह से टुकड़ों में कट करके डालेंगे। सभी को हमें 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना रहे। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप 4 मिर्च भी ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे और उसके अंदर 2 से 3 पत्ते जावंत्री के मिलाएंगे। सभी चीजों को हम प्लेट में निकाल देंगे और उसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सर के बड़े वाले जार में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड करते वक्त मिक्सर को कंटिन्यूअस नहीं चलाना है, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के चलाना है। ग्राइंड हो जाने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून ड्राई गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून ड्राई ओनियन पाउडर, ये दोनों मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक मिलाना है और फिर से इसे एक बार ग्राइंड करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे छान ले और फिर उसे स्टोर करें। छानने की वजह से ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अभी यहाँ पर मैं इसमें से तुरंत ही सब्जी बना रही हूँ तो मैंने इसे छाना नहीं है। अब हम इसके अंदर 1 ग्लास पानी मिलाएंगे। ये इंस्टेंट मिक्स को आप बाहर 2 से 3 महीना और फ्रिज में 4 से 5 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको सब्जी बनानी हो तो इस तरह से उसके अंदर पानी मिलाएं और 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें। अगर आप ओनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं तो वो दोनों आप स्किप कर दें। 2 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे और हम उसे कद्दूकस करेंगे। इसको हमें इस तरह से कद्दूकस ही करना है, मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंस्टेंट मिक्स के अंदर 1/2 टीस्पून जितना आमचूर पाउडर डाल के भी ये सब्जी बना सकते हैं। एक नॉनस्टिक में 3 टेबलस्पून जितना तेल लेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब उसके अंदर कद्दूकस किए हुए टमाटर मिलाएंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर हम 1/2 कैप्सिकम इस तरह से मोटे टुकड़े में कट करके मिलाएंगे। कैप्सिकम को हमें ज्यादा भूनना नहीं है, बस 1 मिनट तक हमें इसे इस तरह से चलाना है। ये सब्जी में कैप्सिकम कच्चा पक्का ही टेस्ट में अच्छा लगता है। 1 मिनट के बाद इसके अंदर हम इंस्टेंट मिक्स मिलाएंगे। इंस्टेंट मिक्स मिलाने से पहले एक बार उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब उसी बर्तन में 1/2 ग्लास जितना पानी डालेंगे और वो भी इसके अंदर मिला लेंगे। गैस की फ्लेम अभी मैंने स्लो रखी है और स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे 5 मिनट तक उबलने देना है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें वेजिटेबल मिलाएंगे। वेजिटेबल को मैंने ब्लांच कर लिया है। यहाँ पर मैंने मटर, फ्रेंच बीन्स और गाजर लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर ले सकते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर उबलने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से अभी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और थोड़ा सा पनीर भी लाएंगे। पनीर यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्जी में पनीर हो तो बच्चे सब्जी ज्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर ऐड किया है। कसूरी मेथी और पनीर डालने के बाद हम 2 मिनट के लिए
इसे और उबलने देंगे। कसूरी मेथी हमें इस तरह से ग्रेवी में ही मिक्स करनी है। अगर आप इंस्टेंट मिक्स में कसूरी मेथी मिक्स करते हैं तो कई बार उसकी वजह से इंस्टेंट मिक्स जल्दी से खराब हो जाता है। 2 मिनट के बाद अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि तेल भी अभी सरफेस आउट हो रहा है, तो गैस हम बंद कर देंगे। अभी हम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह का छोटा सा चारकोल का टुकड़ा यानी कि कोयले का टुकड़ा हम गैस के ऊपर अच्छी तरह से गरम करेंगे। कोयला बराबर गरम हो जाए तो एक कटोरी में हम उसे रखेंगे और उसके ऊपर एक चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। घी डालने से कोयले के अंदर से बहुत ही सारा धुआं निकलेगा और उसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू हमारी सब्जी में आएगी। अब हम इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट जैसी खुशबू आए। दस मिनट के बाद हम कोयले को निकाल लेंगे। जो भी पिघला हुआ घी है उसे हम सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी को हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और उसे फ्रेश क्रीम और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। ये ब्राउन ग्रेवी में से आप वेजिटेबल कोल्हापुरी, वेजिटेबल जयपुरी जैसी सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये इंस्टेंट मिक्स की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें और आपके व्यू कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसी नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।